सरोकार। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस को सफलता की बधाई दी है। साथ ही बताया कि शूटआउट में शामिल उस्मान एक मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही आगे की प्रक्रिया जारी रही। पूर्व विधायक राजीव पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कुछ हथियारबंद लोगों ने फायरिंग करके तथा बम फेंक के की थी। उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे दो पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के परिवारजनों को शासन के द्वारा जो अनुमन्य सहायता राशि थी वो मुहैया करा दी गई है, तथा इस घटनाक्रम में जो अभियोग थाना धूमनगंज कायम हुआ था उसमें 6 लोग नामजद थे तथा कुछ अन्य लोग शामिल थे। गाजियाबाद में दो पक्षों में झगड़े में एक युवक की जान चली गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। लड़के मोटे लाठी डंडे लेकर घूमते दिख रहे हैं। बता दें कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था, उसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा करने वाले ने उस पर ही हमला बोल दिया। उसको जमकर मारा पीटा गया, जिसके बाद वो घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एलआर कॉलेज के सामने सर लड़ाई हो रही थी 3-4 लड़कों की, तो वो छुड़ाने गया था, जा रहा था वो देखा लड़ रहे हैं तो छुड़ाने जा रहा था। फिर उसके बाद लड़के जो लड़ रहे थे इसके ऊपर आकर के चिपट गए, इसको मारने लगे, मारते मारते उसके बाद गाड़ी का सलेंसर निकाल करके इसके गर्दन पर मार दिए, सर पर दिमाग की नस फट गई। हमारा बेटा यहाँ से गया, वहाँ पर खड़े थे सब लोग, उसमें से एक लड़का आया पहले मेरे लड़के को पकड़ा, तब तक 3 पीछे से आए और हाथ में राड ले रखे थे, उसी से हमारे लड़के के पीछे सिर पर दे मारे, वहीं तुरंत वो गिर गया। तुरंत ही नाक से, कान से, मुंह से खून आने लगा, जो कि उसके ही बल पर हम दोनों हैं। हमारे फ्लैट का 14,000 रुपये हर महीना किस्त जाता है। दहेज हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज लड़की के परिजनों ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मृतका के परिवार का आरोप है कि 8 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पति के अलावा किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच का विश्वास दिलाया है। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्होंने मृतका के परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर उसी दिन आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था और अब वह मामले की जांच कर रहे हैं। मैं नीचे जो मुलाजिम थे, पुलिस की कहीं ना कहीं चूक रही है, क्योंकि आज 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक ही मुलजिम अरेस्ट हो पाया है, जो हमारा जवाई लगता था।
उसको अरेस्ट कर पाए। वो भी हमने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमने प्रदर्शन करने की प्रक्रिया चालू करी थी तब उन्होंने अरेस्ट कर लिया था 2 घंटे में, और आज 7 दिन हो चुके थे अभी तक कोई अरेस्ट नहीं करा था, जबकि वो अपने घर पे खुले घूम रहे थे। जो उनके लड़की के जो देवर थे वो पेपर देने जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल सब जगह जा रहे हैं, उनको पकड़ने में कोई भी पुलिस की तरफ से कोई सख्ताई नहीं दिखाई दी। मुझे विश्वास है कि सीपी साहब मेरे साथ न्याय करेंगे, एक दिन मेरी बहन का न्याय की जीत करेंगे। मुझे काफ़ी विश्वास है, साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर मैं आपके दोषियों को पकड़ लूँगा। सीपी साहब के सामने आपने क्या बातें रखी? मैंने सीपी साहब को यही डिमांड रखी कि साहब हमारे साथ न्याय करें, जो मुलजिम है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। वजह ये है कि हमारी जो बहन जी है उसकी भाखरी गांव के अंदर हमने उसकी शादी तीन साल पहले की थी, और उन इतने बेहुदे आदमी निकले कि उन्होंने 3 साल के अंदर हमारी बेटी को पहले तो काफ़ी परेशान किया, दहेज के प्रति उत्पीड़ना उनको लगातार कंटिन्यू चली रही थी, और उसके बाद 28 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। उसके अंदर हमने 11 आदमियों का नाम दर्ज किया है, और 11 के 11 आदमी प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर दोषी हैं, और उसकी हत्या करने के बाद 28 तारीख को एशियन हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रक्चर पर डाल के हमारी उसको बहन जी को, और वहाँ से छोड़ के फरार हो गया वो परिवार। और जैसे ही आज हम जो है प्रशासन का विरोध भी कर रहे हैं और अपना जो है अपनी न्याय की मांग भी कर रहे हैं जी। 28 फरवरी को एक लड़की शीतल नाम की लड़की थी, उसके द्वारा उसकी हमें जो जानकारी मिली कि इसको मृत अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया है। उसके इनकी शिकायत के अनुसार हमने 1 मार्च को 304B सेक्शन के अंडर FIR रजिस्टर करी, और उसमें हमने हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो भी आरोपी हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार सबूत काबिले गिरफ्तारी गुजरेंगे उनको नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस बारे में हमने परिवार को आश्वासन दिया जो कि पुलिस कार्रवाई से अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट। अमरोहा में होली के त्योहार के नजदीक आते ही रंग गुलाल पिचकारियों की दुकानें सजने लगी हैं। दुकानों पर तरह तरह की पिचकारी आ चुकी है। इन पिचकारियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बच्चों के लिए डोरेमोन और विभिन्न प्रकार की पिचकारियां मार्केट में खूब देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भगवा गुलाल की बिक्री भी सबसे ज्यादा हो रही है। हमारे संवाददाता विनीत अग्रवाल ने पिचकारियों की दुकानों पर गए और दुकानदारों से क्या कुछ बात हुई, चलिए आपको सुनाते हैं। होली का त्यौहार हो और पिचकारियों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज अमरोहा के उस स्थान पर आया हूं जहां पर सबसे ज़्यादा होली के त्यौहार पर दुकानें सजी हैं। आप दिखा दूं आपको, एक बार दिखा देंगे, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा किस तरीके से यहां पर पिचकारियों की दुकानें लगी हैं। तरह तरह की पिचकारियाँ यहाँ पर हैं, पीछे भी इधर दुकान है, मैं कहूँगा पीछे भी एक बार दिखा दें। सारी इस इलाके में दुकानें ही दुकानें हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बिक्री हो रही है वो पिचकारियों की हो रही है। होली के त्यौहार में सबसे ज़्यादा अनोखा क्या आइटम आया है, इसके विषय में बात करेंगे। क्या आइटम है ये? ये नई गन आई है, गुलालगन। ये गुलालगन बता रहे हैं, गुलालगन। तो इसमें गुलाल भर के इससे इस बार होली का आनंद लिया जाएगा। शॉर्ट है, तरह तरह के शॉर्ट। इसके विषय में हम बात करेंगे गुलालगन के बारे में। पहले आपको दुकान के बारे में बता दें, दुकान पर देख लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पर पिचकारियाँ, तरह तरह की पिचकारियाँ यहाँ पर सजाई गई हैं। होली का त्यौहार अभी काफ़ी दूर है तो धीरे धीरे ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन दुकानदार यहाँ पर हैं। मैं बात इनसे, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम वसीम है। आप दुकान लगा रहे हैं? नहीं, नीरज भाई लगा रहे हैं, मेरा भाई है। मैं इनसे बात करता हूँ, आपका नाम क्या है जी? नीरज कुमार गोले। हाँ जी, नीरज कुमार सर। आपकी दुकान है जी? सर, तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो आपकी दुकान पर इस बार बिक्री की क्या स्थिति है? समय तो ठीक ठाक है समय के हिसाब से, लेकिन संडे से बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं तो संडे से ठीक ठाक हो जाएगी। ये बताइए कि जो आपकी दुकान पर सबसे ज़्यादा जो बिक्री है, इधर आ जाइएगा, मैं कहूँ आपसे, एक बार इधर आ जाइए आप, आपकी दुकान है और आप भी इधर आ जाइएगा भैया, आप बताइए आपकी दुकान है? जी जी। तो सबसे ज़्यादा बिक्री कौन सी चीज़ की हो रही है? सबसे ज़्यादा ये पिचकारी बिक रही है। बैग बहुत बिक रहे हैं इस बार। कौन सा बैग है, दिखाइए एक बार। ये जो बैग है ये बहुत बिक रहे हैं। अच्छा, नहीं इसको दिखा दीजिए एक बार कैमरे पर उठा के, इस बैग में क्या खासियत है वो बताइए इस बैग की। ये बैग इस समय जो है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से गणेश जी हैं और बच्चों को ज़्यादा पसंद है। डायनासोर है, गिटार है जी जी, ये सब तरह तरह के हैं, बच्चे शोपीस में लगा भी लेते हैं और बहुत इजी चलती है। तो जो इस और बार ये अगर कहा जाए, नई गन आई है, दिखाइए वो गन भी दिखाइए आप। ये नई गन आई है, ये गुलाल गन है, इसका 5 मिनट का शॉट है, इसका शॉट अलग से है, उसमें 5 शॉट है, ये सबसे ज़्यादा अधिक बिक्री है इसकी।
रोजाना इसके अंदर क्या मतलब खासियत होगी और ये कौन इस्तेमाल करेगा? ये बच्चे, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें गुलाल उड़ता है और कोई ज़्यादा नहीं। कितनी दूर तक इसकी रेंज है? ये रेंज है लगभग कोई 10 फुट ऊपर जाएगी, 10 से 12। तो इस बार जो है मोदी पिचकारी, योगी पिचकारी ऐसा भी कुछ आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब वो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन भगवा कलर का गुलाल, उसकी बिक्री अधिक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा बिक्री पिचकारियों में खूबसूरत जो है कौन सी है? पिचकारियों में ये गन बहुत बिक रही है, बैग वाली पिचकारी, और एक ये ट्विन गन आई है, ट्विन गन की बिक्री अधिक बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, इसमें क्या खासियत है? ये इसकी शोपीस बहुत अच्छी है और इसकी जो मतलब रेंज है वो भी ठीक ठाक है। एक बार क्लोज करके दिखाइए ज़रा। 150 रुपये में बहुत अच्छी रेंज है और बाद की बहुत अच्छा खूबसूरत पीस है ये। तो इसके अंदर भरते हैं रंग जी, इस तरीके प्रेशर के साथ आती है पानी डालने के बाद जी। और शोपीस में भी हमारे इस्लाम धर्म के लोग भी बहुत लेके जा रहे हैं और अपने यहाँ तो जा ही रही है। तो कुल मिलाकर के जो है इस बार अगर बात करें तो महामारी की, कोरोना की, आपसे बात करूँ, आप भी नहीं, मेरा छोटा भाई। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ। बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री सही है, सब ठीक है। अभी होली आस में पास में आने वाली है। हाँ, और ये स्मोक बम है। अच्छा, इसमें क्या? ये भी रॉकेट है, रॉकेट की तरह उड़ता है, जैसे रॉकेट छप रहा है हमारा। दुकानदारी ठीक हो रही है? हाँ ठीक है सब, अभी तो स्टार्टिंग है और संडे से थोड़ा पेपर वेपर भी चल रहे हैं बच्चों के, संडे से ठीक ठाक हो जाए। ये कैसी पिचकारी है जरा, ये पीछे, इसके पीछे ये क्या है? 51 फुट ऊपर उड़ता है गुलाल। अच्छा, 51 फुट ऊपर प्रेशर के साथ उड़ता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये दोबारा भी रिपीट हो जाएगा। हाँ, दोबारा भी रिपीट हो सकता है खाली होने के बाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार जो है होली का जो उत्सव है अमरोहा में, बहुत ही नए अंदाज में मनाया जाएगा। एक से एक बढ़िया यहाँ पर पिचकारियाँ हैं और ऐसी ऐसी पिचकारी इन्होंने दिखाई हैं जो शायद अमरोहा में पहली बार आई होंगी। और माना जा रहा है कि इस बार रंगों का त्यौहार होली बहुत ही खुशनुमा अंदाज में मनेगा अमरोहा में। और यहाँ पर अमरोहा के विभिन्न बाज़ारों में पिचकारियों की दुकानें सज चुकी हैं और यहाँ पर इनको इंतज़ार है तो ग्राहकों का इंतज़ार है। विनीत अग्रवाल, प्राइम टीवी, अमरोहा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय गुर्दा दिवस के दिन केचियोमियो ने किडनी डोनर का सम्मान किया है। इस दौरान कुल 3 डोनर का सम्मान किया गया है जिसमें सभी डोनर महिलाएं हैं। बता दें कि तीनों ने अपने बेटे और पति को अपनी किडनी डोनेट करी है। इसका बीपी ज्यादा रहता था, हम लोगों को पता नहीं था, सिर में दर्द रहता था, उसी की वजह से इसकी किडनी खराब, वो ज्यादा सीरियस हो गया था। 1 महीना बालाजी में हॉस्पिटल में भर्ती था, एसीयू में हो गया था। इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बहुत ज्यादा मतलब बचने वाला नहीं, इसे कहीं ले जाओ, उसी जगह हम लोग कहाँ ले जाते जाते, तबीयत खराब थी, वहीं भर्ती रखा। फिर 20 दिन बाद, करीब 20-25 दिन बाद उसको निकाल के दूसरे में कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो राइज है वो शायद एक सर्टेन सेक्टर में है, जब आप कहते हैं 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत दयनीय स्थिति में रहती हैं, क्योंकि मानसिकता को बदलने में देर लगता है। और जो महिलाएं पढ़ लिख भी जाती हैं उनके ऊपर प्रेशर्स बहुत है, बाहर के, अंदर के, घर के, काम के। अभी भारत में ये मानसिकता नहीं आई कि हम लोग साथ साथ हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन है, लेकिन 10% है। ये 10% तो जब तक 50% और 100% ना हो जाए तब तक शायद हम महिला सशक्तिकरण में सफल नहीं होंगे। लेकिन प्रशंसनीय बात यह है कि निरंतर कार्य हो रहा है। मार्च महीने के द्वितीय बृहस्पतिवार को गुर्दा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या है कि WHO जो संगठन है वो एक हर साल एक नारा सम्मेलन देते हैं, और इस साल का सम्मेलन है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, मतलब हर किसी का किडनी सुरक्षित रहे, उसका हेल्दी रहे। अब यह है कि हेल्दी किडनी कैसे रहेगा, सुरक्षित किडनी कैसे रहेगा, तो एक क्या है कि हम जो है जो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, और साथ में क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसका ठीक से इलाज करें, समय पर दवाई खाएं। लखनऊ में होली के त्यौहार को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, साथ ही बाजारों की रौनक बढ़ गई है। त्यौहार को सही तरीके से निपटाने के लिए पुलिस भी अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि बाजारों में गुजिया बनाने के लिए डिजाइनिंग साचा, रंग बिरंगी पिचकारियां और तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बिक रही हैं। सभी लोगों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है।
मथुरा में चारों तरफ होली की धूम नजर आ रही है। बता दें कि वहां धूमधाम से लोगों ने लठमार होली खेली, साथ ही सभी लोग होली की मस्ती में नाचते गाते नजर आए। बता दें कि लोगों ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया, भारी मात्रा में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बड़ी धूमधाम से होली मनाया। प्रयागराज में होली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के बाजार में गुजिया की खुशबू बिखेरने लगी है। दुकानों पर कई तरह की मिठाई भी सजी है। इसके अलावा अलग अलग तरह के गिफ्ट पैक भी ग्राहकों को लुभा रहे हैं। बच्चों के लिए बास्केट पकवान भी बाजार में उपलब्ध है। वहीं बता दें कि 8 मार्च को होली खेली जाएगी, जिसको लेकर लोकनाथ स्थित बाजार में होली की बहार नजर आने लगी है। और लोकनाथ में यहाँ बड़े बड़े नेता हमारे अनुग्रह नारायण सिंह, चंद्रयान त्रिपाठी, चंदू वगैरह जैसे भी थे, चुनून गुरु थे, इन्होंने बहुत सारी, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई पूरी हिस्स लड़ी गई थी, नीम के पेड़ के नीचे से लड़ी गई थी। तो काफ़ी मशहूर दुकान थी शुरू से थी। और आप आज क्या करने आए? हम होली के त्यौहार के लिए गुजिया पापड़ वगैरह कुछ लेने के लिए आए, नमकीन वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं। हाँ, गुजिया लिया, गुजिया मेरे हाथ में, गुजिया बड़ी टेस्टी होती है इनकी और काफ़ी वर्षों से हम ले रहे हैं। भैया ये होली पे अपने यहाँ गुजिया, मतलब अपने यहाँ 5-6 बैठ गुजिया, 6-7 बैठ गुजिया अपने पास है। सबका अपना अलग फ्लेवर, अलग स्वाद अपना है। और पूरे इलाहाबाद की बात करें जो रेट, टेस्ट में, क्वालिटी में अपने यहाँ सब सुपीरियरिटी है। और वैसे भी लोकनाथ की तो फेमस चीज़ है, यहाँ से लोग बहुत दूर गुजिया लेने आता है, बहुत दूर दूर से सिर्फ गुजिया, स्पेशली गुजिया लेने अपने हमारे पास आता है। हमारे पास वैरायटी गुजिया की है, लगभग 6-7 मिल गुजिया है। शुरुआत अपन करते हैं शुद्ध खोए मेवे से, प्लेन गुजिया अपनी आती है, स्टार्ट इसका रेंज है 360 रुपये किलो से स्टार्ट। उसके बाद केसर गुजिया आ जाएगी, फिर ड्राई फ्रूट्स गुजिया आ जाएगी, फिर गीली मीठी गुजिया आ जाएगी, फिर काजू मेवे गुजिया आ जाएगी। रेट स्टार्ट 360 रुपये से लेके 3000 रुपये तक गुजिया आप लोग बनवाते हैं। वाराणसी में होली त्यौहार की बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बता दें कि लोगों ने इस अवसर पर खूब नाच गाना किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली के त्यौहार को मनाया है। साथ ही इस अवसर पर लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। सभी लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर होली का जश्न मनाया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।